10 सितंबर 2021 को जारी नेशनल सैंपल सर्वे की रिपोर्ट सिचुएशन असेसमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल हाउसहोल्ड्स एंड लैंड एंड लाइफ स्टॉक होल्डिंग्स ऑफ हाउसहोल्ड्स इन रूरल इंडिया 2019 प्रकाशित हुई। इस रिपोर्ट के अनुसार भारतीय किसान खेती किसानी से ज़्यादा मजदूरी करके कमाई कर रहे हैं। किसान हर महीने जितना कमा रहा है उसमें फसल बेचने से होने वाली कमाई की हिस्सेदारी सिर्फ और सिर्फ 37% है, जबकि इससे पहले जब वर्ष 2012-13 का सर्वेक्षण हुआ था और 2013 में जिसकी रिपोर्ट आई थी तब किसानों की आय में खेती से होने वाली कमाई का हिस्सा ज़्यादा था। यह सर्वे रबी खरीफ के सीजन में किया गया है। इस सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार देश के औसत किसान परिवार पर कर्ज का बोझ 47,000 रुपये से बढ़कर अब 74,000 रुपये हो गया है। खेती किसानी में लगे एक औसत परिवार को लगभग 10,000 रुपये महीने की ही आमदनी होती है। इस कमाई को भी समझने की ज़रूरत है। इस कुल कमाई में मजदूरी की हिस्सेदारी लगभग 40% है। नेशनल सैंपल सर्वे की ये रिपोर्ट बेहद चौंकाने वाली है और कई सारे सवाल भी खड़े करती है। जुलाई 2018 से जून 2019 और 1 जनवरी 2019 से 31 दिसंबर 2019 के बीच हुए इस सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार किसानों की प्रति महीने आय 10,218 रुपये रही, जिसमें से वह 4,023 रुपये मजदूरी करके कमाता है। इसमें फसलों से होने वाली कमाई का योगदान 3,798 रुपये ही है। मतलब किसान की कुल आय में 40% योगदान मजदूरी का है, जबकि फसलों की कमाई का योगदान 37% ही है। वहीं अगर बात 2014 कि किसान फसलों से अपनी कुल कमाई का 50% हिस्सा जुटाता है, तब मजदूरी की हिस्सेदारी लगभग 32% थी। जुलाई 2012 से जून 2013 के बीच की रिपोर्ट कहती है कि तब किसानों की आय 6,223 रुपये प्रति महीने थी। उसमें मजदूरी की हिस्सेदारी 2,071 रुपये हुआ करती थी। इसे आसान भाषा में समझें तो खेती किसानी के लिहाज से इन 7 वर्षों की उपलब्धि यह है कि किसानों की मजदूरी पर निर्भरता पहले की तुलना में बढ़ी है। यहाँ यह समझ लेना ज़रूरी है कि इन 7 सालों में केंद्र सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के कई जतन किए, इसके बावजूद फसलों से होने वाली आय में गिरावट आ रही है। इस तरह की और भी तमाम ज़रूरी बातें इस रिपोर्ट में की गई हैं और यह रिपोर्ट तब प्रकाशित हुई है जब देश का किसान लगभग 10 महीनों से देश की राजधानी के बॉर्डर पर कृषि कानूनों के खिलाफ संघर्षरत है। आज इस रिपोर्ट पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर सिराज हुसैन। सिराज हुसैन साहब कृषि और किसान कल्याण विभाग भारत सरकार के पूर्व सचिव हैं और वर्तमान में ICRIER में विजिटिंग सीनियर फेलो हैं। सबसे पहले जो 2012-13 का जो सर्वे आया था, 2002-03 का जो सर्वे है और अब जो आया है 2021 में जो प्रकाशित हुआ है 18-19 का सर्वे, तो सबसे पहला सवाल जो उठाया जा रहा है वो ये उठाया जा रहा है कि क्या इनकी तुलना की जा सकती है, कि इनके पैरामीटर्स किस तरीके के हैं, क्या उनमें बहुत बदलाव है, इनकी तुलना करना ठीक है या नहीं ठीक है। देखिए 12-13 का सर्वे और 2018-19 का सर्वे सिमिलर पैरामीटर्स पर किया गया है और ये बहुत अच्छी चीज नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ने की कि पैरामीटर्स को चेंज नहीं किया। उसकी वजह से 2012-13 का सर्वे और 2018-19 का सर्वे में काफी मुनासबत है और वो कंपेरेबल हैं। जी इसके अलावा सर जो दूसरा महत्वपूर्ण सवाल है वो ये है कि हम सर्वे का जो परिणाम आया है उसमें हम देखते हैं कि MSP में बढ़ोतरी हुई है, चाहे वो धान की बात हो या गेहूं की बात हो, MSP में बढ़ोतरी होती दिखती है हमें 12-13 के सर्वे से इस सर्वे में, लेकिन किसानों की जो आय है उसमें उतनी बढ़ोतरी होती नहीं दिखती है। जो किसानी से होने वाली आय है उसके पीछे क्या कारण लगता है आपको? देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि जो सर्वे आया है हमारे सामने ये सिर्फ 1 साल का डेटा है, सिर्फ 2018-19 का डेटा इस सर्वे के माध्यम से सामने आ रहा है, ये कोई टाइम सीरीज नहीं है। तो हम MSP का जो रियल इम्पैक्ट कुछ राज्यों में जहां अच्छा प्रोक्योरमेंट होता है वहां पर क्या इम्पैक्ट है वो कुछ बहुत क्लियरली इससे इमर्ज नहीं हो पाएगा जी। और कुछ चीजें ऐसी हैं जो
अभी हम भी नहीं समझ पा रहे हैं कि उनकी क्या कारण है। मिसाल के तौर पे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनमें फार्मर्स इनकम में काफी इजाफा हुआ है 2012-13 के मुकाबले में। मेघालय के बारे में मैंने वायर के अपने आर्टिकल में लिखा भी था कि खरीफ में 18-19 में मेघालय में 10 हेक्टेयर से जो ज्यादा एकड़ेज वाले फार्मर हैं उन्होंने अपनी इनकम दिखाई है 22 लाख रुपए। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो अभी हम समझ नहीं पा रहे हैं। बाकी जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, मेघालय है और भी जो स्टेट्स हैं, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है, उनमें भी अगर रेट ऑफ ग्रोथ देखें तो वो हायर है रेट ऑफ ग्रोथ बनिस्पत उन राज्यों के जहां एमएसपी ज्यादा बेहतर ऑपरेट करता है, जैसे पंजाब है, हरियाणा है, इन राज्यों में ज्यादा बेहतर ऑपरेट करता है, लेकिन ग्रोथ ज्यादा अच्छी आ रही है नॉर्थ ईस्ट में। तो ये कई सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब ढूंढने की हम अभी कोशिश कर रहे हैं। तो अभी इनके कारणों पर बहुत ज्यादा नहीं बताया जा सकता है कि बेसिक क्या रीजन हो सकता है इसके पीछे। जो एक आम दिमाग में एक सवाल आ रहा है कि इसके बावजूद ऐसे क्या कारण हैं कि वो बढ़ी हुई आमदनी में नहीं आ पा रहा है। तो फिर एमएसपी का या तो पूरे सिस्टम पर ही सवाल उठ जा रहा है, क्योंकि एमएसपी जो है वो किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज मानी जा रही है, जिस हिसाब से वो सहयोग दे रही है किसानों को। तो क्या उस सिस्टम पर भी ये सवाल खड़े करता है? ये हम नहीं कह सकते कि उस सिस्टम पर सवाल खड़े करता है। अभी इसकी एनालिसिस देखिए, ये 4,000 पेज की रिपोर्ट है। अब जी इसके कुछ कुछ डायमेंशंस पे हमने लिखा है, एक और आर्टिकल हम लिख रहे हैं जिसमें हम खाली कल्टीवेशन की इनकम को एनालाइज कर रहे हैं, वो अगले 1-2 दिन में भेजेंगे। तो अभी ये कहना मुश्किल है कि एमएसपी का इम्पैक्ट क्यों नहीं है, लेकिन एक चीज तो बिल्कुल तय है कि फार्मर्स की इनकम कल्टीवेशन से इतनी ज्यादा नहीं आ रही है जितनी पिछले सर्वे में थी। पिछले सर्वे से तकरीबन 10% इनकम घटी है कल्टीवेशन से, इनकम अदर इनकम बढ़ी है, वेजेस जो वेज पे काम कर रहे हैं खासतौर से छोटे किसान, वहां से इनकम उनकी बढ़ी है। तो इतना तो अभी कंसेंसस है कि जो एक्चुअल कल्टीवेशन है, क्रॉप कल्टीवेशन, उससे उसका जो शेयर है टोटल इनकम में वो घटा है। तो ये बात तो क्लियर है कि एमएसपी बढ़ने के बावजूद इनकम फ्रॉम कल्टीवेशन नहीं बढ़ी है, और इसकी एक वजह यह हो सकती है कि जो खर्चे हैं किसानों के उनमें इजाफा हुआ है, लेबर कॉस्ट बढ़ी हैं, और इसके अलावा जो पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड की कॉस्ट हैं वो बढ़ी हैं, तो खास तौर से जो डीजल का उनका खर्चा होगा। अब ये सब बहुत डिटेल की चीजें हैं जो देखना होंगी, उसके एनालिसिस में समय लगेगा। और मगर फिर भी सब कुछ कहने के बावजूद हम ये कहेंगे कि ये बहुत वेलकम सर्वे है, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा फैसला किया कि इस सर्वे को रिलीज किया। काफी लोगों को ये लगता था कि जो कंजम्पशन सर्वे है उसको गवर्नमेंट ने विड्रॉ कर लिया था, जी तो कहीं ऐसा ना हो कि ये सर्वे का डेटा भी सामने ना आए। तो ये अच्छा फैसला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया कि इसके डेटा को रिलीज कर दिया। जी सर। और इसकी जो टाइमिंग है, 2021 में सर्वे अभी हमारे सामने आया है, और 2022 में जो सरकार ने कह रखा है कि किसानों की जो आय है वो दोगुनी हो जाएगी। अभी हमारे पास किसानों की आय का एक ब्यौरा लगभग सामने आ गया है कि क्या उनकी आय है, किस तरह से उनकी आय आ रही है, मजदूरी से कितनी आय आ रही है, किसानी से कितनी आय आ रही है। 2022 में जो सरकार कह रही है कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, उस दावे की पे आप क्या कहना चाहेंगे, क्या लगता है आपको? देखिए, अभी तक का डेटा जो दिखाता है, न सिर्फ ये डेटा बल्कि जो और इंडिकेटर्स भी एग्रीकल्चर प्राइसिंग के बारे में, मंडी प्राइसेस के बारे में सामने आए हैं, उनसे ऐसा नहीं लगता कि इनकम डबल हो जाएगी 2022-23 में। और इस सर्वे ने भी इस चीज को वाजे किया है। लेकिन अब ये तो 2022-23 का सर्वे अगर होता है, इतनी जल्दी सर्वे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कराएगी इस पर भी मुझे तो डाउट लगता है। 2018-19 के बाद 2022-23 में सर्वे ज्यादा जल्दी माना जाएगा, हो सकता है 23-24 में हो। कम से कम 5 साल का गैप दोनों सर्वे के बीच में तो रखना ही चाहिए, क्योंकि बहुत कॉम्प्रेहेंसिव, बहुत लंबी और कॉम्प्लिकेटेड एक्सरसाइज होती है। तो हो सकता है कि 2023-24 में हो, लेकिन इतना क्लियर है कि इनकम डबल होने की पॉसिबिलिटी 22-23 तक नहीं है। जी, एक और सिराज हुसैन साहब सवाल था कि हमने सर्वे से ये देखा कि जो किसान हैं उनकी जो आय आई है वो मजदूरी से उनकी आय ज्यादा आ रही है, बनस्पत किसानी के, खेती किसानी से जो उनकी आय हो रही है उससे ज्यादा किसान मजदूरी से आय अपनी कर रहे हैं। हम दावा करते हैं कृषि प्रधान देश होने का,
ऐसे में जब इस तरीके की चीजें सामने आ रही हैं, तो पहली चीज तो ये किस ओर इशारा करते हैं और ऐसे क्या कारण है जिनकी वजह से ऐसी चीजें सामने आ रही हैं, क्या लगता है? देखिए, जैसा कि मैंने पहले कहा, इससे दो चीजें सामने आती हैं। एक तो ये कि हमारे फार्म साइजेस बहुत अनइकोनॉमिकल हैं और उसकी वजह से जो उन फार्म्स के ओनर्स हैं वो मजबूर हैं अपने घर का खर्चा चलाने के लिए, बेसिक सब्सिस्टेंस लेवल को मीट करने के लिए भी वो मजबूर हैं कि वो कुछ और काम करें। वो काम कल्टीवेशन के अलावा उनको कहीं मिलेगा, कहीं वो जाके मजदूरी करते हैं, कुछ लोग कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जाते हैं, कुछ लोग शहरों में जाके कहीं कुछ छोटा मोटा उद्योग धंधा करते हैं, कुछ लोग कहीं चौकीदार हो जाते हैं, वगैरह वगैरह। कुछ यंगर जनरेशन के जो लोग होंगे वो हो सकता है कि गिग इकोनॉमी में काम कर रहे हों, कहीं कुछ खाना डिलीवर कर रहे हों या अमेजन के डिलीवरी बॉय बने हों। तो क्योंकि कल्टीवेशन से इनकम इतनी कम है, एक बड़ी सरप्राइजिंग बात यह है कि इवन पंजाब में, जहाँ के अच्छी और प्रदेशों के मुकाबले में ज्यादा आमदनी है, पंजाब में भी 10 हेक्टेयर से ज्यादा वाले किसान भी काम कर रहे हैं, वेज एम्प्लॉयमेंट ले रहे हैं। इसका मतलब उनकी इनकम भी उनको सफिशिएंट नहीं लगती है कल्टीवेशन से, और वो वेज एम्प्लॉयमेंट की तरफ जा रहे हैं। तो ये सब चीजें जैसे जैसे एनालिसिस होगी, रिसर्चर्स पूरे इंडिया में, इकोनॉमिस्ट, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट उसको देखेंगे डेटा को, तो नई नई चीजें सामने आएंगी। इसीलिए हम इसका खैर मकदम करते हैं, वेलकम करते हैं कि गवर्नमेंट ने ये डेटा रिलीज किया और अब लोग इस पे अपने अपने तरीके से इस डेटा को एनालाइज करेंगे और कुछ अच्छे सुझाव सरकार के सामने आएंगे। जी, एक विशेषज्ञों द्वारा एक ये भी सवाल उठाया जा रहा है कि सर्वे में जो आय आई है वो औसत किसान की आय आई है। इसमें कई सारे लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि औसत किसान में वो किसान भी है जिसके पास 1 हेक्टेयर जमीन है और वो किसान भी है जिनके पास 30 हेक्टेयर जमीन है या इससे भी ज्यादा जमीन है, तो ऐसे में दो इतने ज्यादा अंतर के दो किसानों को कैसे कंपेयर करके हम ऐसी एक इस राय तक पहुंच सकते हैं कि किसानों की आय बढ़ रही है या कितनी बढ़ रही है? तो क्या इस पे भी सवाल उठाए जा सकते हैं, इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, ये सही नहीं है। सर्वे तो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है, डेटा बहुत अच्छी तरह उन्होंने रिलीज किया है। उन्होंने डिफरेंट कैटेगरी ऑफ लैंड होल्डिंग का डेटा दिया है, 10 हेक्टेयर का अलग है, 4 से 10 हेक्टेयर का अलग है, 1 से 2 हेक्टेयर का अलग है, वगैरह वगैरह। और ना सिर्फ ये कि ये डेटा पूरे कंट्री लेवल पे, बल्कि हर स्टेट का भी सेग्रीगेटेड डेटा है। और ना सिर्फ हर स्टेट का सेग्रीगेटेड डेटा है, बल्कि हर स्टेट का डेटा लैंड होल्डिंग वाइज, शेड्यूल कास्ट का कितना है, शेड्यूल ट्राइब का कितना है, ओबीसी का कितना है, अदर्स का कितना है। तो डेटा में ये बात आपका, ये सवाल सही नहीं है कि एवरेज है। एवरेज तो डिस्कस हो रहा है क्योंकि लोग उसके बारे में अब असल में 10-15 मिनट के टीवी कार्यक्रम में लोग समझते हैं कि हर चीज का डिस्कशन हो जाए, वो नहीं पॉसिबल है। लेकिन डेटा बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, बहुत अच्छा डेटा है। कृषि कानूनों के विरोध में किसान अब लगभग 10 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं, अभी ये रिपोर्ट आई है, अब इसके बाद क्या आपको लगता है कि उसमें उठाई जा रही मांगों को कुछ बल मिलेगा या वो उस मांगों में क्या कुछ और ज्यादा ये सर्वे जोड़ रहा है, कुछ क्या लगता है आपको? देखिए, ये मेरे लिए कुछ कहना बड़ा मुश्किल है कि फार्मर्स अपनी मांगों को किस तरह से इस सर्वे को कंसीडर करके सरकार के सामने रखेंगे। लेकिन ये तो क्लियर है कि जो एग्रीकल्चर में मुश्किलात सामने हैं किसानों के सामने, वो इस सर्वे से उजागर हुई हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार में भी इसको लेके थोड़ी सी चिंता हो रही होगी कि सब कुछ जो स्टेप्स सरकार ने लिए हैं, बहुत अच्छे अच्छे स्टेप्स लिए हैं, क्रॉप इंश्योरेंस किया और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लागू की, मंडियों में गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट किया, ई नैम गवर्नमेंट लाई, मगर उसके बावजूद इनकम फ्रॉम कल्टीवेशन उतनी नहीं बढ़ी जितना सरकार सोच रही होगी या हम लोग भी सोचते थे। उसकी एक वजह ये भी है कि पिछले 3-4 सालों में बड़ा ग्लोबल डाउनटर्न था प्राइसेस का, और उसका इंपैक्ट इंडियन प्राइसेस पे भी था। तो जो किसानों ने प्राइस रियलाइजेशन किया वो भी कम था। इसीलिए जो शुरू में मैंने बात कही कि ये जो सिचुएशन इकोनॉमिक सर्वे होता है, ये किसी एक साल का डेटा दिखाता है। तो अब उस साल में अगर कोई डिस्ट्रेस है, या 2018-19 में हमारे प्राइसेस बहुत कम थे ज्यादातर कमोडिटीज के, 19-20 में रिकवर हुए, 20-21 में और रिकवर हुए, तो उस सब का भी इम्पैक्ट इस डेटा पे आता है।
जी मेरा आखिरी सवाल कि जो ये रिपोर्ट आई है ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं दिखाती है किसानों की कि बहुत कुछ बदल रहा है या बहुत अच्छी स्थिति में वो जी रहे हैं। अब इसके आगे क्या, अगर आप कुछ सुझाव देना चाहें, इसके आगे क्या और किया जा सकता है जिससे उनकी स्थिति में कुछ परिवर्तन हमें दिख सके जमीनी स्तर पर? देखिए अभी इसको हम भी समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जैसा मैंने और प्रोफेसर सीमा बटला ने वायर में अपने आर्टिकल में लिखा है कि एक चीज जो समझ में आती है बहुत आसानी से वो ये है कि काफी बड़ी तादाद में जो लोग खेती किसानी में कल्टीवेशन पर निर्भर हैं उनको हमें अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना होगा। और 2004-2011 के बीच में जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में बूम था, जाहिर है कि उसके बाद से बहुत इकोनॉमी में डाउन टर्न हुआ डीमोनेटाइजेशन के बाद से, और उसके बाद ये कोरोना पैंडेमिक की वजह से इकोनॉमिक डाउन टर्न हुआ और कंस्ट्रक्शन सेक्टर बहुत बुरी तरह प्रभावित हुआ। तो ये लोगों को स्किलिंग करके, इनको ट्रेनिंग देके, इनको अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना होगा, तभी इनकी इनकम में इजाफा हो सकता है। जी, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, उसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं, लिख रहे हैं, हम एनालिसिस चल रही है, और लोग भी कर रहे होंगे जो हमारे थिंक टैंक्स हैं, IGIDR है, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ है, बहुत सारी जगह लोग इस पर काम कर रहे हैं, वो आपके सामने आएगा अगले कुछ महीनों में। ये 4000 पेज की रिपोर्ट है, इसकी एनालिसिस में थोड़ा वक्त लगेगा। तो प्रगति को लेकर के आशावादी होना चाहिए हमें? नहीं, देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी हुई है। अब 2021 में जो ग्लोबल प्राइसेस हैं वो ऊपर की तरफ हैं, शुगर के प्राइसेस आप देखिए ऊपर हैं, एडिबल ऑयल के प्राइसेस ऊपर हैं, तो किसानों का रियलाइजेशन अगर हम इस साल का डेटा देखेंगे तो वो बेटर आएगा 2018-19 के डेटा के मुकाबले में। तो ये सिचुएशन, इसीलिए हम लोग ये कहते हैं कि किसी एक साल के डेटा पे हम ये नहीं कह सकते कि सिचुएशन बहुत खराब हो गई या बहुत अच्छी हो गई, डेटा की टाइम सीरीज देखी जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।